दोस्तों ये महामाया रतनपुर का उसका प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम अंदर चलते हैं, आइए आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। शक्तिपीठ माँ महामाया मंदिर रतनपुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पड़ता है। महामाया मंदिर की स्थापना राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में करवाया गया था और राजा रत्नदेव के नाम से ही शहर का नाम रतनपुर पड़ा। भारत में 51 शक्तिपीठ है, उनमें से एक रतनपुर का महामाया देवी मंदिर भी है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहते हैं जहां देवी सती के अंग गिरे थे। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित हुई सती ने स्वयं को अग्नि में जला लिया था। तब सती के मृत्यु से व्यथित भगवान शंकर ने सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकते रहे और देवी सती के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। यहाँ देवी सती का दाहिना कंधा गिरा था, इसलिए इस मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में मान्यता मिली। तो दोस्तों देखिए, ये है मंदिर का बड़ा सा परिसर, ये चारों तरफ से इस ओर स्टेज बना हुआ है जहाँ से आप कुछ प्रोग्राम होता है तब उसके लिए बना है। सामने कार्यालय है महामाया देवी ट्रस्ट का और इस ओर तालाब है। तो आगे प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार, ये अंदर चढ़ाना नहीं है क्या? सैनिटाइज बस। मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहले देवी महिषासुर मर्दिनी के दर्शन होते हैं और ये है काल भैरव बाबा जी का मंदिर। सामने में अखंड ज्योति जलती है यहाँ, इसी के सामने है महामाया मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहले हवन कुंड नज़र आता है। मंदिर का प्रांगण 16 खंभों में टिका हुआ है। ये सामने महामाया देवी का मंदिर। महामाया मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। मंदिर में बहुत ही बारीक, सुंदर, कलात्मक एवं आकर्षक नक्काशी की गई है जिसे आप देख सकते हैं। मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ तालाब है और इसमें मछली है बहुत सी। हम लोग उसके लिए दाना लेने गए थे लेकिन दाना नहीं मिला,
और वो बोला कि ये मछली ब्रेड खाती है, तो देखते हैं खिला के भी मछली ब्रेड खाती कि नहीं। पूरा मछली आ गया यार यहाँ तो। पूरा झुंड एक झुंड आ गया, पूरा झुंड यहीं आ गया। मछलियाँ बड़े चाव से ब्रेड खा रही हैं, उन्हें खाने में मज़ा आ रहा है और हमें खिलाने में मज़ा आ रहा है। ये देखिए मछली दिख रहा है पूरा। वाह देखो सारी मछलियां इधर ही आ रही हैं। हाँ हाँ ये हाँ जीवन ज्योति कलश अभी जीवन का मतलब जीवन भर। राजा रत्नदेव ने रतनपुर में बहुत से तालाबों का निर्माण कराया था, इसलिए रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ भी तालाब है। यह जो कलात्मक एवं प्राचीन मंदिर देख रहे हैं, यह शंकर भगवान का मंदिर है। शंकर भगवान का मंदिर इधर तो जल रहा है। इधर पत्थर में पैर जल रहा है, तुम कछुआ देख रहे हो, चलो इधर। ये तो खाली है। हाँ दे भी देता हूँ।
यह आजीवन ज्योति कलश का बड़ा से प्रांगण है और हमारा दोस्त हमको गाइड करते हुए आगे आगे चल रहा है। ये बड़ा सा स्टेज है, जब नवरात्रि के समय कुछ प्रोग्राम होता है तो इस स्टेज का यूज़ किया जाता है। और इसके बगल में है पंचमुखी मंदिर। ये पंचमुखी मंदिर है। पंचमुखी मंदिर से लगा हुआ छोटा सा कुंड है और मनौती स्थल है जहां आप नारियल बांधकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। और पंचमुखी मंदिर के जस्ट बगल में है मनौती स्थल। तो दोस्तों, ये था अपना महामाया रतनपुर का टूर। आपको कैसा लगा बताइएगा। तब तक के लिए जय जोहार।